थैंक यू प्रीति पांडे जी एंड प्रियंका भारती जी प्रियंका भारती जी मुझे बताइए आज जब कलकत्ता की सड़कों पर आज जब कलकत्ता की सड़कों पर प्रियंका जी कौन सी पार्टी की आप लिख सकते हैं थैंक यू प्रियंका जी आज जब कलकत्ता की सड़कों पर युवा उतरे महिलाएं उतरी बुजुर्ग उतरे किसी ने यह नहीं देखा कि तुम कौन सी तुम्हारी क्या जाति है यह नहीं पूछा कि वॉट्स योर लास्ट नेम ये नहीं पूछा वॉट योर फुल नेम ये देखा कि ये हमारे और आपकी अगली पीढ़ी के लिए हमारे घर की बेटी मां बहन की सुरक्षा के लिए है क्योंकि अगर आज ये बंगाल की महिलाएं एंड हैट्स ऑफ मैं कह रहा हूं सल्यूट टू दूमेन ऑफ बंगाल आप देखिए देखिए आप वो पुलिस की डंडे खा रही हैं वो पुलिस की लाठियां खा रही है बंगाल की महिलाएं उन्होंने नहीं पूछा प्रियंका जी कि आपका नाम पांडे है कि सिन्हा है उन्होंने नहीं पूछा कपूर है कि खान है उन्होंने सिर्फ यह देखा कि हमें अपनी अगली पीढ़ी को एक सुरक्षित समाज देना है एक सुरक्षित सोसाइटी देनी है यह है हमारे टू कम टुगेदर आई एम सॉरी यू आर ऑल्सो पॉलिटिशियन लेकिन राजनेताओं से उम्मीद खत्म हो रही है आजादी के सतहत्तर साल बाद इस समय भारत में एक राज्य है जहां एक महिला मुख्यमंत्री हैं वो है पश्चिम बंगाल और ममता दीदी जो मां माटी मानुष की बात करती थी नाम ममता है आप एक्शन नहीं ले पाए और जब जनता सड़कों पर उतरी है तो आप टीयर गैस चलाएंगी आप लाठी चलाएंगी और कुछ नहीं चलेगा तो आपके साथ ही दिल्ली लखनऊ और पटना में बैठ के बोलेंगे जातीय जनगणना लाओ सब कुछ ठीक हो जाएगा ज्यादा सवाल पूछ लोग तो बोलेंगे डिस्ट्रैक्शन मत करो डिस्ट्रैक्शन मत करो कलकत्ता के बारे में मत पूछो मैं यहां दलित की घटना में आया हूं डोंट डिस्ट्रैक्ट मी और आप कहेंगी सब ठीक है आप कहेंगी भारत ऐसे नेता को चुनेगा प्रियंका जी गेट मी ऑफ जय अश्वरी जी जब आप बात करते हैं कि बंगाल में महिलाएं बिना जाति पूछे वहां पर उतर रही हैं तो आपको यह भी देखना होगा कि वहां पे जस्टिस की डिमांड हो रही है कि रेव को जस्टिस मिले और जब कोई भी व्यक्ति जातिगत जनगणना की बात करता है तो वो भी जस्टिस के लिए बोलता है सोशल जस्टिस के लिए आखिर जातिगत जनगणना से समस्या क्या है हम तो एक कॉलम मांग रहे हैं बस एक कॉलम की लड़ाई जनगणना तो आप करते ही है ना

हम खुद सी आर जे डी जे एन यू यूनिट मतलब कि आर जेडी के जे एन यू स्टूडेंट यूनिट से निकले हुए हैं और फिर हमने उसी मांग को तेज की थी जे एन यू में क्योंकि हमें मालूम था आपको पता नहीं इसका आइडिया है या नहीं जे एन यू में नाटी की रिपोर्ट बनाई गई थी दो हजार तेरह में ये फाइंड आउट करने के लिए कि आखिर यूनिवर्सिटीज में भी कैसे डिस्क्रिमिनेशन होता है पी एच डी का जब इंटरव्यू होता है एम फिल का इंटरव्यू होता है तीस नंबर का वाइवा होता है उपनाम देखकर जाति देखकर जीरो आधा नंबर पौने नंबर एक नंबर दो नंबर जाति देख कर दी जाती है तो हम क्यों ना कर जाती जनगणना की मांग वैसे भी तो एडमिनिस्ट्रेशन के पास डाटा है ना भाई कि कौन किस तबके से आता है उसको रिवील करिए हमको भी तो पता चले कि पीएचडी में कौन पहुंच पा रहे हैं और किनको पीएचडी में आने से पहले ही बाहर कर दिया जा रहा है अर्जुन सिंह ने दो हजार सात में छोड़िए अर्जुन सिंह को छोड़िए दो हजार सात को प्रियंका जी चीज में प्रियंका जी विद ऑल ड्यू रिस्पेक्ट मैम छोड़ दू अरे कलकत्ता की हालत देखिए आपको दो हजार सात में जीना है

पता है क्यों मैम मैंने आपसे बोला बंगाल की बेटी के लिए सबको एक साथ आना चाहिए आपका ऑडियो नहीं जा रहा है मैम आप बोल सकते है जितना बोले क्योंकि अभी मेरा ऑडियो जा रहा है सो प्लीज लिसन मैं आपसे यह कह रहा हूं मेरे को हटाओ फुल फ्रेम विजुअल्स डालो सबको हटाओ बंगाल की हालत देखिए कलकत्ता की हालत देखिए यह क्यों हो रहा है ये क्यों हो रहा है ये, ये कोई जाति का इशू है नहीं ये कोई जातीय जनगणना का इशू है नहीं ये किसका इशू कीप ऑन चेंजिंग विजुअल्स दिखाइए कि ममता दीदी की पुलिस ने कितनी सौम्यता से कितने हम्बली उन्होंने बुजुर्ग हो महिला हो बच्चे हो सबको हैंडल किया है कितने सौम्य तरीके से हैंडल किया गया है जरा देखना चाहिए भारत को भी ये कोई नहीं नहीं प्रियंका जी नाउ डोंट रेज योर हैंड आप अर्जुन सिंह जी को याद कीजिए आऊंगा आपको जब आप 2007 की दोबारा बात करेंगे ना आप करिएगा अर्जुन सिंह जी के बारे में बात दीपक चौरासिया जी आपको जवाब देंगे उस बारे नहीं नहीं रिलैक्स आई विल नॉट टेक योर आंसर ऑन दैट टूडे को चाहिए क्यों भारत एक साथ नहीं आ सकता वाई कांट वी कम टूगेदर बैक टू माई पैनल प्रीति पांडे जी आपका ऑडियो है दीपक जी आ रहा हूं प्रेम शुक्ला जी आ रहा हूं भारत एक साथ प्रियंका जी कुछ बोलना चाह रहे हैं आप प्लीज मैम डोंट पॉलिटिसाइज आप मुझे बताइए आप और प्रीति पांडे एक साथ खड़े होकर भारत की महिला की सुरक्षा के लिए बात क्यों नहीं कर सकती लेट मी दिस क्यों बोल दूं मुझे आज के टॉपिक प्रीति जी आ रहा हूं प्रीति जी आ रहा हूं गिव मी 30 सेकंड्स प्रियंका जी बताइए प्रियंका जी बोलिए जब लैंगिक समानता की बात होगी हम बिल्कुल साथ खड़े हैं ऐश्वर्य जी जब लैंगिक समानता की, की बात होगी लैंगिक इक्वालिटी की बात होगी हम बिल्कुल साथ खड़े और साथ चाहिए। लेकिन जब जातिगत असमानता की बात होगी तो 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 मेरा सरोकार भाजपा से से नहीं नहीं होगा क्योंकि वो वो शुरू चाहते थे कि मंडल कमीशन लागू लागू और अगर वो लागू ना होता तो आज प्रियंका भारती आपके साथ बैठी ना होती मैं तो मैं कैसे कैसे अर्जुन सिंह का नाम लालू मुझे महिलाएं पहुंचेंगी मुझसे भी बेहतर डिबेट करने के लिए इसीलिए मैं चाहती हूं सबका सब समान अधिकार मिले समान अधिकार मिले मैं तो कह रहा हूं किसी को नहीं मिल रहा है आपको जातीय जनगणना से आगे नहीं बढ़ना है लाइफ में आप देखिए तो सही आप देखिए तो सही एक पार्टी कहती है लड़की हूं लड़ सकती हूं है कहां नहीं पता मुझे छत्तीसगढ़ ही पहुंच जाती कम से कम प्रीति पांडे जी छत्तीसगढ़ में रेप की घटना हुई उत्तराखंड में हुई यूपी में हुई वहीं चले जाती तो मैं मान लेता कहीं तो है चली तो जाती दूसरी पार्टी कहती है बीजेपी कहती है प्रेम शुक्ला जी की बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ अरे ये सब स्लोगन्स हैं, रियलिटी है वो बेटी डॉक्टर बनी हॉस्पिटल में सेफ नहीं है आपको जातीय जनगणना चाहिए सबके घर में मां बेटी बहन है आप जातीय जनगणना पे लगे रहिए अजीज खान साहब घर की बेटी सुरक्षित नहीं है मां सुरक्षित नहीं है आपको जातीय जनगणना चाहिए बाबा कह रहे हैं सब साथ आओ आप क्या तो मुसलमानों पे बात है जनता को समझते हो घास खाती है एक लौती मुख्यमंत्री जो महिला मुख्यमंत्री है देश में उनके प्रदेश में हो रहा है लाठियां चला रहे हो सत्तर साल के बुजुर्ग पे भी और सत्रह साल की बिटिया पे भी हो क्या रहा है प्रीति जी दीपक दादा आ रहा हूं प्रीति जी बोलिए बोलिए प्रीति जी आई एम सॉरी तेरे से ऑडियो प्रॉब्लम बेटा था दीपक दीपक दादा दीपक दादा दीपक दादा, दीपक दादा।, देपक दादा।, देपक दादा। मेरा मैन क्या कर रहा है प्रीति पांडे को बैच कीजिए हाँ दीपक दादा, दादा बोलिए जी आ, आपने जाति जनगणना का सवाल उठाया उस पर तो मैं आऊँगा लेकिन ऐश्वर्या जो सबसे बड़ी बात है ना वो आज कलकत्ता की तस्वीरों को देखकर घिन भी हो रहा था गुस्सा भी आ रहा था कि पॉलिटिकल पार्टी कितने कन्वीनियंटली जो है सड़क पर वहाँ पर आम छात्र उतरे हुए हैं उन्हीं का ये बंद का कॉल था कुछ पॉलिटिकल पार्टीज ने और इंस्टीट्यूशंस ने अपने आप को इस बंद से अलग रखा था लेकिन आज सुबह से सुन रहा हूँ जितने भी टीएमसी के नेता हैं वो ये कह रहे हैं कि ये राम और वाम की साजिश है क्या सड़कों पर इस तरह का गुस्सा लोकतंत्र की निशानी है या नहीं अब इन्हीं ममता बनर्जी का वो ट्वीट बताता हूं जब किसान आंदोलनकारियों पर जो है पानी की बौछार की गई थी उन्होंने कहा था कि अपने ही किसानों के ऊपर वाटर कैनन का इस्तेमाल तो अब मैं यही बात ममता जी से भी पूछना चाहता हूं कि ममता जी अगर आपने किसानों पर जो हुआ था किसानों पर जो पानी फेंका गया था पानी की बौछार की गई थी किसान आंदोलन के वक्त अगर उसको गलत बताया था तो आज कोलकाता की सड़कों पर जो कुछ होता रहा वो गलत क्यों नहीं है सबसे पहला और सबसे बड़ा सवाल यह है लेकिन हाँ जाति जाति का नैरेटिव क्यों चल रहा है आजकल जाति का नैरेटिव इसलिए चल रहा है ऐश्वर्या इसका सिंपल और एक लाइन का जवाब है कि कांग्रेस और इंडिया गठबंधन के रणनीतिकारों को लगता है कि धर्म का जवाब जो है जाति है